हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सामान देख के आप समझ ही गए होंगे कि आर्ट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आर्ट करने वाले हैं, पर क्या करने वाले हैं? आइडिया कुछ लगा सकते हैं? नहीं ना, तो चलो मैं बताती हूँ। आज हम एक फ्लावर पॉट बनाएंगे, तो मैंने ये कांच की बॉटल ली है जो मेरे घर पड़ी हुई थी। तो इसकी कैप उतार देते हैं और अब इसके ऊपर हम आर्ट करते हैं। ओके, तो फ्लावर पॉट बनाने के लिए मैंने जो बॉटल ली है वो नॉर्मल साइज़ की है, ना बड़ी है ना छोटी है। और ये सीढ़ी होती हैं घर में एक्स्ट्रा, उनके पीसेस काट के मैंने रखी हैं। और ये फेविकॉल है और ये स्पंजी सा है, एक ये लिया है, दो कलर लिए हैं और ब्रश लिए हैं। ओके, आई होप आप ये वीडियो इंजॉय करेंगे, तो लेट्स गो। के साथ फेविकॉल मैंने इसलिए थोड़ी सी लगाई है कि वो अच्छे से चिपक जाए और अच्छे से शाइन आए। तो आप देख सकते हैं जो ब्रश से शाइन नहीं आती है वो स्पंजी से आ रही है। तो प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई करना, बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है, अमेजिंग। और इंस्टेंटली सूखने भी लग जाता है, अभी थोड़ा सा गीला है। लगाएंगे ब्लैक, और आप इसमें भी डैप करके लगा सकते हैं। सी कितना अमेजिंग सा लग रहा है ना। जी कितना अमेजिंग सा लग रहा है ना। और जो एक्स्ट्रा कलर भी होता है वो अच्छे से इक्वल हो जाता है स्पंजिंग से, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख रहे होगे। और यही मैं ब्लैक वाला ऊपर करूंगी। कलर अगर खत्म हो गया है तो आप इसके बीच में और लगा सकते हैं।
और स्पंजिंग से आप बॉटल में कलर करते हैं तो बहुत अच्छी लुक आती है, शाइन वाली आप देख सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट सूखने के लिए रख देंगे। और आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, फ्लावर्स डालें, ओरिजिनल फ्लावर्स डालें, बहुत अच्छा लगता है। आप देख ही रहे होंगे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। अब हम इसके ऊपर ये जो, और जैसे कि ये सीढ़ी के मेरे पास थोड़े से क्रश पड़े थे तो मैं ये लगाऊंगी। अब आप कुछ भी लगा सकते हैं, शीशे लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, या ऐसे बाहर से लेके ये लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे पास घर में ये एक्स्ट्रा सीढ़ी पड़ी थी तो मैंने थोड़ी सी क्रश करके छोटे छोटे पीसेस करके रख दिए। और अब मैं फेविकोल के साथ अमेजिंग ब्यूटीफुल एक फ्लावर पॉट बना है, आप एंड में ज़रूर देखना। रेडी हो चुका है, आप देख ही रहे हो कितना ब्यूटीफुल और कितना अमेजिंग लग रहा है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।